हम श्वास के साथ जपना, शिवो सो हम की जो चैंटिंग है इसको श्वास के साथ जप, इसे ही अजपा गायत्री कहा गया। इसका महत्व उतना ही है जितना गायत्री मंत्र जैसा है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, अगर आप नाम जप में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन इतना बेशकीमती है और इसमें परमात्मा के नाम का जाप अवश्य किया जाना चाहिए, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं और परमात्मा के नाम की महिमा को समझ चुके हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा पावरफुल वे जिसके द्वारा एक बार जपा हुआ भी 7 करोड़ बार जाप किया हुआ माना जाता है। ये कौन सी टेक्निक है, ये कौन सी पावरफुल वे है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज जो ये तरीका है, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी रेगुलर बेसिस पे परमात्मा के नाम का जाप करते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए कितनी देर करते हैं। कम से कम 1 घंटा जरूर करना चाहिए, कोई भी मंत्र क्यों ना हो, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। जहां भी आपकी श्रद्धा है उस मंत्र का आप जाप करें। लेकिन एक जो आज मैं बताने वाला हूं, ये जो विधि, ये जो तरीका है, ये आपकी उस मंत्र की शक्ति को 7 करोड़ गुना बढ़ा सकता है। गुरुवाणी में एक जगह वचन आते हैं, गिनती 7 करोड़ हुंदी, ये पंजाबी में, एक बार जे आवे जावे सा वाले, इसका मतलब 7 करोड़ बार ये गिना जाता है कि अगर आप एक बार जाप करें तो 7 करोड़ बार जपा हुआ गिना जाता है। क्या जाप करें, क्या करें? वो जाप जो है वो श्वासों के द्वारा किया हुआ जाप है। जाप करने के कई तरीके होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है वाचक जाप, जो मुंह से बोलकर किया जाता है, जैसे राम 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 राम, आप मुंह से बोल रहे हैं, ये एक तरीका है जाप करने का। दूसरा तरीका होता है आप अपने मन में बोलते हैं, मतलब आप मुंह बिल्कुल बंद है और मन में राम राम, मुंह बिल्कुल बंद है तो राम 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 ऐसे आप कर रहे हैं। इसी तरह से गले से बोलने वाले भी जाप होता है, जो होठों से बुदबुदाने वाला भी जाप होता है, ये भी जाप होता है। ऐसे अलग अलग तरीके हैं। अब इसका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है, जो मेरे सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया है, जिसे अजपा गायत्री कहा जाता है, वो है अपनी श्वासों के साथ जाप को करना, श्वासों के साथ जाप को करना। क्योंकि जब आप श्वास लेते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पूरे बॉडी में, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, पूरे बॉडी में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं हमारी पूरी स्किन के अंदर। आपको पता है पूरा शरीर हमारा श्वास लेता है, केवल नाक ही श्वास नहीं लेती बल्कि पूरी बॉडी के अंदर जितने भी बाल हैं यहाँ पर छिद्र हैं, तो ये भी श्वास लेती है, पूरी बॉडी श्वास लेती है एक तरीके से। जब पूरी बॉडी श्वास लेती है तो ऐसा, अगर जब हम श्वास के द्वारा कोई जाप करते हैं तो पूरी बॉडी के 3.5 करोड़ रोम से वो गुजरता है जब आप इनहेल करते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो उसका बाकी का आधा हिस्सा उसको उसी 3.5 करोड़ रोम से दोबारा गुजरता है। तो 3.5 करोड़ आने में और 3.5 करोड़ जाने में वो 7 करोड़ बार जपा हुआ माना जाता है। बड़ा गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात है। अब गुरुदेव ने फरमाई है तो झूठ तो नहीं होगी। तो मंत्र को कौन सा मंत्र, कोई भी जो आपको ठीक लगे, तरीका जो आपको ठीक लगे, लेकिन छोटा मंत्र हो। अब जैसे मंत्र है शिवो हम, तो श्वास के साथ इनहेल करते हुए इसमें शिवो, आप अंदर से बोलो, मुंह से नहीं बोलना, मैं आपको वैसे बोल के बता रहा हूं, शिवो हम, ये मानसिक रूप से बोलोगे आप, अंदर से बोलोगे, लेकिन श्वास के साथ बोलोगे। तो श्वास जब रोम रोम में जा रहा है और उसमें एक फीलिंग डालनी है, ये वाली फील करना है कि मैं जब श्वास ले रहा हूं तो मेरी प्राण ऊर्जा जो मेरे नाक से मेरे अंदर जा रही है, मेरे नाक के थ्रू मेरे अंदर जो प्राण ऊर्जा जा रही है, उसके प्रत्येक कण कण में, मेरे शरीर के प्रत्येक रोम में यह मंत्र जप जा रहा है और मेरा प्रत्येक रोम इसे जप रहा है, मेरे बॉडी का प्रत्येक रोम इसे जप रहा है। ये आपको इनहेल करते हुए भी और एक्सहेल करते हुए पूरे भाव से, पूरी फीलिंग के साथ शिवो हम, ये आप जाप कर रहे हो। अब श्वास के साथ आपने किया तो अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, अंदर से करूंगा तो सो हम, ऐसा। ये भी एक मंत्र है और सुप्रीमली पावरफुल मंत्र है, थोड़ा बहुत नहीं, ये गजब गजब मंत्र है। अजपा गायत्री कहा गया, मतलब अजपा गायत्री, जो ना जप के भी जपा जा रहा है वो है अजपा। इतना पावरफुल है ये तरीका। मेरे सद्गुरुदेव महाराज जी ने, मेरे परमहंस गुरुदेव जी ने मुझे बचपन से यही नाम जपाया है, करवाया है, इसका अभ्यास कराया है, और ये इतना गजब का है कि इसने पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की पावर है। आपके पूरे रोम रोम को ये बदल सकता है, क्योंकि ये जा रहा है आपके प्राणों में, समाहित हो रहा है। इसलिए जब भी जपना, पूरे हृदय से, भाव से, चाहे थोड़ी देर जपना, लेकिन हृदय पूर्वक जपना। ये जो मंत्र है, ये एक बार जपा हुआ आपको 7 करोड़ गुना जपा हुआ प्रभाव देता है। अब वैसे सोच के देखिए, अगर आपको 7 करोड़ बार राम बोलना पड़े कितना टाइम लग जाएगा।
आप सुबह से शाम तक पूरा दिन जाप करोगे ना, पूरा दिन भी जाप करो, आपको मुश्किल से 3 से 4 लाख जाप पूरे होंगे। अगर आप पूरा दिन भी जपो तो भी आसान नहीं है, थक जाओगे और दुनिया भर की और समस्याएं। इसको जाप को पूरा करने में 7 करोड़ बार पूरा करने में 6 महीने लग जाएंगे कम से कम, और ये आपको एक ही बार जपा हुआ इतना प्रभाव दे सकता है, तो वाई नॉट। तो कुछ देर के लिए इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें, अवश्य करें। तो ये बहुत ही गजब का, बहुत ही पावरफुल तरीका है, जाप करें और श्रद्धा से, भाव से कि ये मंत्र मेरे अंदर मेरे रोम रोम को परिवर्तित करेगा, मेरी प्राण ऊर्जा का, मुझे में प्राण ऊर्जा का संचार करेगा, ये मंत्र मेरी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा, ये एल्केमी है, ये पूरे अंदर तक बदलने की, पूरी केमिस्ट्री बदलने की पावर रखता है ये मंत्र। जितनी आपकी मंत्र में श्रद्धा होगी उतना ज्यादा आप अपने उस मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए मंत्र जाप के ऊपर पूरा विश्वास करते हुए पूरी दृढ़ता के साथ मंत्र का जाप करें। आप जो भी मंत्र करें, किसी को राधे राधे पसंद है तो जरूर करें, श्वास लेते हुए राधे, श्वास छोड़ते हुए राधे, व्हाई नॉट। इसमें एक राधे श्री कृष्ण जी के लिए और एक राधे राधे की राधा जी के लिए है, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा मंत्र है। मंत्र कोई भी लीजिए, छोटा, छोटे मंत्र पर तो ये अप्लाई है, बड़े मंत्रों के लिए अप्लाई नहीं होगा। गायत्री मंत्र जैसे पूरा है तो गायत्री मंत्र पूरा जपने के लिए तो आपको मानसिक जाप ही करना पड़ेगा या फिजिकल जाप करना पड़ेगा, वाचक जाप करना पड़ेगा। लेकिन इसे अजपा गायत्री कहा गया, इसे अजपा गायत्री कहा गया। तो जो मैंने कहा श्वास के साथ जपना, शिवो सो हम की जो चैंटिंग है, इसको श्वास के साथ जप, इसे ही अजपा गायत्री कहा गया। इसका महत्व उतना ही है जितना गायत्री मंत्र जैसा है, ये उतना ही महत्व इसका है। शायद मतलब ये इतना पावरफुल है कि इसका आप करने के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, इस बात का मतलब कोई चांस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, जरूर होगा। तो कोई भी मंत्र कम से कम आधा घंटा जरूर जपना है, ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। और साथ साथ जपते हुए हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, जीव को तालू से लगा लेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। जीव को तालू से मतलब खिचड़ी मुद्रा आपने लगा ली तो और इफेक्टिव होगा। तो ऐसे श्वास लेते हुए शिवो, जितना खींच सकते हैं खींचे, और फिर हम फील करें कि इसकी वाइब्रेशन आपके पूरे रोम रोम में जारी है। ये मंत्र आपके ट्रांसफॉर्म करेगा। इसका करते हैं अगर जाप तो कमेंट जरूर करेंगे, और नहीं करते तो करने के बाद कमेंट करेंगे और जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।